हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कोयम्पू यूनिवर्सिटी ने निकाला है, जिसमें आपको गेस्ट फैकल्टी के लिए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि कोयम्पू यूनिवर्सिटी ने गेस्ट फैकल्टी के लिए निकाला है। तो इसके लिए आप बस गूगल पे टाइप करिए कोयम्पू। जैसे आप कोयम्पू यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। तो इस विंडो पे देख सकते हैं जो कोयम्पू यूनिवर्सिटी है उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.koyampu.ac.in। तो इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो कोयम्पू यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको सेक्शन मिलेगा नोटिफिकेशन और सर्कुलर का। तो यहाँ पे आपको जाना है और व्यू मोर पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और 9th पोजीशन पे आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द गेस्ट फैकल्टी। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो नोटिफिकेशन वो डाउनलोड हो जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन को आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा। तो स्क्रॉल डाउन करने पे देखिए जो कोयम्पू यूनिवर्सिटी है उसने अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो निकाला है, और ये जो नोटिफिकेशन 6 जुलाई को निकाल दिया था। तो इसमें देखिए जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है इसके अंदर बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, जैसे कि जेनाना, सह्याद्री, शंकराघट्टा, ऐसे करके बहुत सारा जो कॉलेज है वो अफिलेटेड है इस यूनिवर्सिटी से। इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें जो वेजेस डिपार्टमेंट हो लाइक हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, तो इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट जितने भी पीजी सब्जेक्ट या नोबल से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका जो है नोटिफिकेशन निकाला है। सब में जो गेस्ट फैकल्टी चाहिए इन्हें, तो देखिए इंग्लिश में फॉर एग्जांपल, देखिए इंग्लिश तो इंग्लिश में 3 गेस्ट फैकल्टी चाहिए, कन्नड़ में 1, वहीं अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री में तो बायोकेमिस्ट्री में 4, केमिस्ट्री में 5, इंडस्ट्री केमिस्ट्री में 4। तो इसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हों आप उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐसे और भी अदर दे रखे हैं पीजी सेंटर, जैसे पीजी सेंटर और भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन है उसमें दे रखा है। तो इसमें बहुत से जो कॉलेजेस हैं वो अफिलेटेड है और सारे कॉलेजेस में जो कि गेस्ट लेक्चरर है वो रिक्वायर्ड है। तो आप ऐसे नीचे डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट मिलेगा। आप इसमें यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जो है उसके कॉलेजेस मेंशन किए गए हैं, इसमें भी पार्टिकुलर कॉलेज में कितने गेस्ट फैकल्टी रिक्वायर्ड है उन सबका नंबर दे रखा है। जैसे संस्कृत में 1, इंग्लिश में 2, हिंदी में 1, उर्दू में 1, ऐसे करके इन्होंने दे रखा है। ऐसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो बॉटनी में देखिए 5 गेस्ट लेक्चरर रिक्वायर्ड, जियोलॉजी में 5, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2, बायोटेक्नोलॉजी में 1। तो ऐसे ही आपको स्क्रॉल डाउन करिए और देखिए आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलेंगी गेस्ट लेक्चरर की। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखी है वो रखी है द कैंडिडेट टू शुड परचेज द पीजी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई यूजीसी विद एटलीस्ट 55 मस्टर्ड मार्क। तो इन्होंने बोला है कि जिसने भी पीजी डिग्री जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट में किया है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो स्टेट हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसके साथ अगर उन्होंने पीएचडी या नेट या स्लेट क्वालिफाई किया है और यदि उन्हें कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। अब गौर करने वाली बात इसमें यह भी है कि अगर इन्हें नेट या पीएचडी करे हुए जो टीचर्स नहीं मिलते हैं तो जो पीजी करे हैं और जिनका जिन्होंने 55% मार्क्स जो है वो ऑप्टेन किए अपने पीजी डिग्री में वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि जिसने एमएससी या एमए जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट में किया है तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और एप्लीकेशन फी दे रखी है, जैसे कि डिटेल्स और एप्लीकेशन फी। तो एससी एसटी अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज का फी पेमेंट करना पड़ेगा। अदर कैटेगरी के चाहे वो जनरल हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो आपको 200 रुपीज पे करने हैं। वहीं फिजिकली हैंडीकैप के लिए नो फी, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो है उसके लिए कोई फी पेमेंट नहीं करना है। इसके साथ साथ आप इस पे जो है मोर देन 1 एप्लीकेशन भी फिल कर सकते हैं। अगर आप बॉटनी जूलॉजी के लिए भी दोनों के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं अगर आप केमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल हैं तो इसमें मोर देन 1 सब्जेक्ट के लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको ऑर्डर प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप प्रेफरेंस किस के सब्जेक्ट को देना चाहते हैं, तो उस बेस पे आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मोर देन 1 सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद ये इन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है जो कि इस नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा, तो इसमें आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है और फिल करने के बाद आपको भेज देना है कि
KUVMPU यूनिवर्सिटी में, कोएम्पु यूनिवर्सिटी में आपको भेज देना है। तो ये मेरा छोटा सा नोटिस वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि गेस्ट फैकल्टी की रिक्वायरमेंट कोएम्पु यूनिवर्सिटी में और उसके साथ साथ जितने कॉलेज हैं उसमें कितना वैकेंसी है, वो भी मेंशन अच्छे से कर रखी है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इन पोस्टों के लिए, तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।